भागलपुर के जगदीशपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत जगदीशपुर स्थित यूको बैंक से रुपया निकाल कर घर जा रहे एक बुजुर्ग की बाइक सवार झपट्टा मारों ने रुपए से भरा थैला छीन कर फरार हो गए। घटना शनिवार करीब 11 बजे दिन की है। तगेपुर निवासी 55 वर्षीय भोला यादव बैंक से 50,000 नगद निकाल कर अपने घर जा रहे थे, तभी बुराहा के निकट बीरजू चूड़ा मिल के समीप पीछे से एक बाइक पर दो सवार युवक आए और हाथ से थैला छीन कर फरार हो गए। पीड़ित ने बताया कि थैले में 50,000 रुपए, पासबुक और आधार कार्ड था। साथ ही उन्होंने बताया कि मैं जमीन खरीदा था, पैसा निकाल कर जमीन वालों को देना था, इसलिए पैसा निकाल कर घर जा रहे थे। इस घटना को लेकर पीड़ित व्यक्ति ने जगदीशपुर थाना क्षेत्र में आवेदन दिया है। सूचना मिलते ही जगदीशपुर पुलिस छानबीन में जुट गयी। आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाला जा रहा है, जिसमें एक बाइक पे सवार दो युवक नजर आ रहे हैं। अब पुलिस युवक की पहचान में जुट गई है। इस मामले में जगदीशपुर थाना अध्यक्ष अजय कुमार ने बताया कि शीघ्र ही बाइक सवार युवक की पहचान करके मामले का निपटारा किया जाएगा। वहीं मौके पर विधि व्यवस्था डीएसपी मंगलेश कुमार सिंह पहुंचकर मामले की छानबीन कर रहे हैं। इधर जा रहे हैं सर, इसके बाद उनसे मोटरसाइकिल आगे से स्टार्ट किया, पैसे झोले पे घिस लिया। कितना पैसा छीन लिया? 50,000। 50,000 आधार कार्ड से। आधार कार्ड? घर कहाँ हुआ? क्या नाम हुआ? भोला यादव। घर तगेपुर? किस चीज के पैसा लेके जा रहे थे आप? जमीन लिए थे, वही पैसा के लिए? आप भी निकल गए, ये भी निकल गया। घर चलो गए मौधरी के लिए बापा अभी नहीं रिलो, ये तलक ने फोन कर लेके बापा के साथ चली गई। मैं ग्रास से फोन नहीं चली बाबू। भागलपुर से राहुल कुमार सिंह की रिपोर्ट, IND 365।